तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक टिप बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल की आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत यूजफुल टिप है या बहुत यूजफुल सेटिंग है। दोस्तों होता क्या है, हम कहीं कैमरा यूज़ करते हैं या फिर बोल सकते हैं हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, हमने अपने मोबाइल का कैमरा खोला और कोई फोटो को क्लिक करते हैं तो कैमरे का साउंड आता है। कैमरे का साउंड बोले तो कैमरे का जो शटर साउंड होता है वो आपको सुनाई देता है। उससे क्या होता है, आजू बाजू लोग आपको देखने लग जाते हैं, यार ये तो फोटो खींच रहा है। तो ये थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा सा मोमेंट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल का जो कैमरा शटर साउंड है उसको ऑफ कर सके, कैसे ऑफ करेंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल का जो कैमरा शटर साउंड है उसको ऑफ कर सकें। कैमरा शटर साउंड मतलब कि मान लो आपने यहाँ पर कैमरे को ऑन करा और यहाँ पर कोई फोटो को क्लिक करते हैं, आप सुनिएगा तो ये जो साउंड आता है ना, कैप्चर साउंड, आप देख सकते हैं जब भी आप फोटो को क्लिक करेंगे एक ये साउंड आता है। तो ये बड़ा एम्बेरेसिंग का मोमेंट होती है जब भी आप कहीं यहाँ पे ऐसी जगह पे हों और आपने अगर कैमरा ऑन कर लिया तो सब लोग आपको देखना चाहते हैं। बट ऑफिशियली इसका कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होता, या बोल सकते हैं एक ऐप में जाके कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं होती जिससे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कहीं भी साउंड ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता, और अगर आप साउंड को ऑफ कम भी कर लेंगे तो आपकी रिंगटोन कम हो जाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपको मैं एक ऐसी टिप बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप वहाँ पर कैमरा शटर साउंड को बहुत ही इजीली टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर पाएंगे, या बोल सकते हैं टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है मोड्स एंड रूटीन्स वाला ऑप्शन, उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर रूटीन्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लस में क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड वाशर टिकर पे क्लिक करना है। ऐड टिकर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऐप ओपन पे। ऐप ओपन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अपनी कैमरा ऐप सेलेक्ट कर लेना है, इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको तो आपको ऐप ओपन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन कंडीशन पे जाना है। डन कंडीशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा साउंड का ऑप्शन, आपको साउंड एंड वाइब्रेट पे चले जाना है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, साउंड मोड पे चले जाना है और आपको इसको म्यूट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो भी आप नाम देना चाहें इसका नाम दे सकते हैं और ये सेव हो चुका है। अब ये काम क्या करेगा, आप देखेंगे अभी मेरे मोबाइल का यहाँ पर जो साउंड है वो यहाँ पर म्यूट नॉर्मल पे है ना, नॉर्मल पे है। और अगर अब मैं अब इसको खोलूँगा तो मेरा साउंड ऑटोमेटिक म्यूट पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं म्यूट पे चला गया है। म्यूट पे जाने के बाद अब क्या होगा, अगर अब मैं कोई भी फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं आने वाला। आप बोलेंगे यार ये तो म्यूट हम पहले भी कर सकते थे, बट हम पहले करते थे तो हम उसको बार बार उसको अनम्यूट करना पड़ता था, बट अब यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक ही अनम्यूट हो जाएगा जैसे ही मैं इसको बैक करूँगा। यहाँ से मैं जैसे ही बैक करूँगा, बैक करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर साउंड पे आ चुका है। तो इस तरीके से ये म्यूट वाला फीचर काम करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और ये आपको टिप पहले से पता थी या नहीं थी। और इतना सब कुछ कर लिया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लो यार। तो थैंक यू।